बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बच्चों रेसिपीज़ एंड ब्लॉग। में आज मैं भिंडी बना रही हूँ। बहुत सादा सी रेसिपी है, बहुत अच्छी लगती है, मज़े की। रोटी से खाएं, दाल चावल से खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं डलते हैं, बस दो मसाले और थोड़ी सी प्याज। ये मैंने प्याज ली है, दो मीडियम कट कर ली है, और आधा किलो भिंडी है, उसी में मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं अपने जायके के हिसाब से, और एक चम्मच मैंने कुटा हुआ लहसुन रखा हुआ है। 6-7 जवे को आप कूट लें। मुझे बहुत मज़े का लगता है लहसुन कुटा हुआ डालना, और मज़ा भी आता है भुजिया में। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों को लहसुन पसंद ना हो तो आप इसको स्किप कर दें। मैंने जो है पैन में ऑयल डाल लिया है, सरसों के ऑयल में बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसको पका के पहले ही बंद कर दिया है चूल्हा, क्योंकि एकदम से प्याज ब्राउन हो जाती है जब बहुत तेज़ प्याज वो आपका तेल पका हुआ होता है, गरम होता है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फ्लेम ऑन कर लिया है मैंने। तेल को मैं पका चुकी हूँ पहले ही, मैं आपको बता भी चुकी हूँ। बस अब मैंने जो है फ्लेम ऑन किया और प्याज को ऐड कर दिया। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, बस हल्की सी नरम करना है। बस ये हल्की सी नरम होंगी तो फिर आगे का स्टेप करेंगे। बहुत ब्राउन नहीं करना, बहुत ज़्यादा कलर नहीं लाना है इसके अंदर। थोड़ी थोड़ी सी देखें प्याज नरम हो गई। अब हम इसके अंदर भिंडी और अपनी हरी मिर्च कटी हुई जो थी वो डाल रहे हैं। तो मिक्स करें। फ्लेम अभी हाई रखिएगा, तो भिंडी जो है ना वो एकदम से पानी छोड़ देगी, और हमें इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना। नमक हसबे जायका अपने हिसाब से आप डालें, जाहिर है सबका अपना अपना टेस्ट होता है। और ये कुटी मिर्च, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके अंदर आपको बताया कि मैंने हरी मिर्च भी काट ली है, तो मैं इसके अंदर कम जो है थोड़ी सी ही डाली है मैंने कुटी मिर्चें, देखो बहुत तेज़ हो जाएगी। तो थोड़ा सा तेज़ आंच पे ही जो है पका लें, उलट पुलट कर लें, मिक्स कर लें। आप प्याज चाहें तो थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ जो है फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, माशाल्लाह बरकत हो जाती है, तो मैंने थोड़ी ही डाली है। अब मैं इसके अंदर ये कुटा हुआ लहसुन है, फ्रेश पीस है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर पकने दूंगी ताकि भिंडी जो है वो गल जाए, और ढक्कन लगा दूंगी। पंद्रह से बीस मिनट बाद ये बिल्कुल रेडी है। मैंने एक दफ़ा बीच में भी चेक कर लिया था, मैंने इसके अंदर देखें पानी नहीं डाला, लेकिन ये बहुत अच्छी भिंडी हमारी रेडी हो चुकी है। मैं थोड़ी सी तेज़ आंच कर रही हूँ ताकि जो भी थोड़ा बहुत अगर भिंडी में से जो पानी निकला है वो खुश्क हो जाए। हमारी भिंडी बिल्कुल रेडी हो गई है, ये देखिए ये ऑयल आ गया है सारा। ये ऑयल है, ये पानी नहीं है, क्योंकि पानी तो मैंने इसके अंदर डाला ही नहीं। भिंडी बिल्कुल तैयार है। आप इसको रोटी के साथ एंजॉय करें, राइस के साथ, बॉयल्ड राइस के साथ, दाल चावल के साथ,
पराठे के साथ, बेसन की रोटी के साथ बहुत मज़ेदार भुजिया लगती है। ये बहुत मज़ेदार लगती है, बहुत ही शानदार लगती है। तो जी ये बहुत आसान सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है और आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। रेसिपी को ज़रूर शेयर करें और इन्जॉय करें। अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को खुश रहें, आबाद रहें। तमाम दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।